है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ सट्टा और अन्य संगठित अपराध पर बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की। 14 करोड़ 58 लाख रुपीज कैश के रूप में बरामद किया गया, साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। सटोरिये के यहाँ मिला नोटों का अंबार, रात भर से मशीन द्वारा नोट गिन रही है पुलिस। उज्जैन पुलिस को सूचना मिली थी कि मुसद्दीपुरा के पीयूष चोपड़ा नामक सटोरिये के यहाँ अकूत संपत्ति जमा की जा रही है। यहाँ सटोरिया आईपीएल क्रिकेट के सट्टेबाजी में लिप्त बताया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने वहाँ छापेमारी की, जिसके बाद वहाँ नोटों का अंबार देख कर दंग रह गई। और जानकारी मिलने के बाद इसी के एक और मकान कृष्णा पार्क में भी छापा मारा गया, वहाँ पर भी नोटों का ढेर मिलने के बाद पुलिस रात भर से नोट ही गिन रही है। पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पर सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले एक दो दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में दो तीन जगहों पर दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपये में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। करेक्ट, इनके परिवारजन, इनके ब्रदर, इनके अन्य जो परिवारजन हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता की प्रथम दृष्टया जानकारी है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ की जाएगी। विदेशी करेंसी 7 देशों की है, जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में होगा, तो उसको अभी आकलन करके उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की कार्रवाई की जाएगी। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जाँच के स्तर पर पुलिस ने सीज कर लिए, अपने पास रखा है, और हमने IT और ED को हम सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर होता है, जो कि जारी किया जाएगा, ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। ऐसा प्रथम दृष्टया हमको दिखता है इलेक्ट्रॉनिकली कि इनके कई देशों में भी संपर्क है, तो उसको देखते हुए हम इस पर बहुत जल्दी जो है लुकआउट सर्कुलर भी जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार का, इस व्यक्ति के रिश्तेदार का किसी का मकान है, जो कि कई वर्षों से यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी, वो भी ड्यू कोर्स में चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।